प्यार अगर सच्चा हो ना तो सच्चे प्यार में एक एक अलग ही ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो किसी से भी लड़ जाए, जिन्हें किसी का डर या किसी की परवाह नहीं हो, हमारे रीति रिवाज या हमारा समाज इन्हें इनका प्यार पाने से या प्यार करने से रोक नहीं सकते। ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी पावर्ड बाय NV1000, जहां पर हर हफ्ते हम आपके पास ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो ना सिर्फ अनयूजुअल होती है बट उसके साथ साथ इंस्पिरेशनल भी है, जिन्हें एज आई सेड कि हमारे जमाने और हमारे रीति रिवाजों का डर नहीं हो, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, पायल की कहानी, उसके प्यार को पाने की कहानी, उसकी जिद की कहानी। जीजी होली मुबारक। तू मन्ने कोई कलर ना लगावेगा, तन्ने पता है ना मन्ने बिल्कुल पसंद ना। थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल दूर ना होली है तू। अच्छी लग रही है। अरे बुआ रंगों से क्या डरना, रंगों के बिना जिंदगी कितनी फीकी लगेगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी आपके जमाने की पुरानी फिल्मों की तरह। ज्यादा बड़बड़ ना कर, तन्ने का पता जब हाथ में मेहंदी माथे पे लाल सिंदूर लगेगा ना तब तन्ने समझ में आएगा रंग के होवे है बावड़ी कहेगी। जी जी तन्ने कर दिया। ये तो तभी होवे है ना जब इसके लिए कोई अच्छा सा छोरा मिल जावे है। तो तन्ने क्या लगे मैं तारा चेहरा देवन वास्ते आई हूँ का? मतलब भाई जी अपनी पायल वास्ते एक रिश्ता लेके आई हूँ, वो भी फौजी का। अपनी पायल ने खूब खुश रखेगा। खातो पीतो घर को छोरो है, सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए हमने? जी जी ये तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों को मिलवा देते हैं। हाँ। झट मंगनी पट गया। जादे हो ताबला मत हो, थोड़ा सा भर कर मिलवाती हूँ। जी जी बैठो जी बैठो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी सब ठीक। भाई साहब यो विक्रांत से, और ये हमारी छोरी पायल। पायल बेटा चाय दो। बेटा तुम दोनों मिल लो, आपस में बातचीत कर लो, पहचान लो। जा बेटा। खाना बनाना आता है? हाँ ठीक ठाक, वैसे काफी अच्छा बना लेती हूँ। मैं बनाई हुई गट्टे की सब्जी के ना सब फैन है घर में। अच्छा, और घर के बाकी काम? आई मीन घर की सफाई, देखभाल, कपड़े धोना, जो भी बाकी नॉर्मल काम होते हैं घर में। जी माँ की मदद कर लेती हूँ मैं कभी कभी। अच्छी बात है। ग्रेजुएशन करी ना? जी ऑलमोस्ट हो गई, एग्जाम्स दिए, बस रिजल्ट आना बाकी है। गुड। देखो मुझे बहुत ही सीधी सादी और सिंपल वाइफ चाहिए जो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखे और मेरा घर संभाले। मेरी ज़रूरतें बहुत ही सिंपल हैं, हमारा अपना घर है, फार्म है, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसों की कोई कमी नहीं होती। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। आपकी फेवरेट हीरो कौन है? मुझे लगा था शायद आप मुझसे मेरी सैलरी के बारे में पूछेंगे। एनीवे मैं फिल्में नहीं देखता, मुझे फिल्में पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। खैर मुझे जो आपसे पूछना था मैंने तो पूछ लिया, अगर आपको इन फिल्मों के अलावा और कोई ज़रूरी बात मुझसे पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ले लो। अरे कांजी वड़े बहुत अच्छे बनाती है हमारी छोरी। पायल कांजी वड़े खिलाना, जा लेके आ रसोई से। खाना बहुत अच्छा बनाती है हमारी छोरी। बिल्कुल
बिल्कुल समझ नहीं आया, फिल्में नहीं देखता खड़ूस। पायल इतने अच्छे कांजी के वड़े बनाती है, मैं अभी आज तक ना बना पाई, आप एक बार खा के देखिए है ना। तेरा ब्याह पक्का हो गया है, कल से शादी की तैयारियां शुरू। जीजी दो बड़े खिलाओ सबको। लो जी लो, आप भी ले। भाई साहब आप भी लीजिए। जी जी उनको भी दो, आप लो थोड़ा जी। माँ मुझे कोई ब्याह नहीं करना उसके साथ। बावड़ी बातें ना कर, कुछ भी बोलती रहती है, ब्याह क्यों नहीं करना। माँ उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसका, उसके घर का और उसकी माँ का ख्याल रख सके। देख पायल, ब्याह के बाद पति का ख्याल रखना औरत का सबसे पहला धर्म होवे है। हाँ जानती हूँ माँ, बिल्कुल आपकी बातें मानती हूँ, बट एक बीवी को ये सब अपने मन से अपनी खुशी से करना चाहिए ना। लड़कियों को क्या प्यार नहीं चाहिए होता, इज्जत नहीं चाहिए होती। और विक्रांत की बातों से तो ऐसे लग रहा था कि उसे कोई काम वाली चाहिए। चुप कर पायल, कॉलेज जा जाके तेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगा है, और आज के जमाने की बात मत कर। हाँ देख, तेरे बाबा ने तेरा ब्याह पक्का कर दिया है, सो तो होके रहेगा। अब ज्यादा बक बक ना कर, समझ गई ना। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। खैर अब हमारी शादी हो चुकी है और हम पति पत्नी हैं, तो पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश रखो। क्या हुआ? थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, हम एक दूसरे को ठीक तरह जान भी नहीं पाए ना। इट्स ओके, शुरू शुरू में थोड़ी घबराहट सभी को होती है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर। यस सर, राइट अवे सर। क्या हुआ विक्रांत? एक स्कूल पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, इसलिए मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। मुझे अभी इसी वक्त ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। भाई सर ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, इसके तो अभी 4 दिन हुए, शादी हुई है। अरे फौज की नौकरी ऐसे ही होवे, जब फर्ज बुलावे तो जानो ही पड़ा है। खाना खाओ। तू उदास ना हो बिन्नी, वो अपना काम करके जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। परेशान मत हो माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। की कोई खबर?
कोई खबर। हेलो, हाँ जी, मैं विक्रांत का ताऊ बोल रहा हूँ। देखिए, महीनों हो गए हैं, कुछ तो पता चले हमारे बच्चे का। देखिए, आप समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। बहुत दिनों से विक्रांत की कोई खोज खबर नहीं है, लगता है कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। हेलो, हेलो, आई एम कैप्टन सूरज सिंह आर्मी हेडक्वार्टर से। जी, कैप्टन विक्रांत और उसके साथ हमारे तीन और सैनिक भी मिशन के टाइम से मिसिंग हैं। अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है, इसलिए हमारा कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। क्या हुआ छोरी? छोरी क्या हुआ? हेलो, हेलो, मैं विक्रांत की माँ बोल रही हूँ। आंटी जी, मैं इंद्रजीत, विक्रांत का दोस्त। मैं विक्रांत के साथ काम करता हूँ, करता था। और विक्रांत ने मुझे शादी से पहले कुछ रुपए दिए थे, वही लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैं और विक्रांत दोनों एक ही ऑपरेशन में थे। मैं स्कूल की बिल्डिंग को बाहर से गार्ड कर रहा था, विक्रांत और उसके 8 सिपाही स्कूल में फंसे हुए बच्चों को बचाने के लिए अंदर गए थे। जैसे ही वो अंदर गए कि कुछ ही देर के बाद ब्लास्ट हो गया और बिल्डिंग जल के। आंटी, आई नो, ये मान लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त मैं खुद था। बहुत बड़ी आग लगी थी। मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट उसे मिसिंग बता रहा है, पर ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसमें किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था। अपने आप को संभालिए, ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। मैं विक्रांत की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक आप मुझे फोन कर सकती हैं। नमस्ते। टेररिस्ट अटैक्स के बाद विक्रांत अचानक से गायब हो गया और इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि वो है कहां। और अथॉरिटीज के कंफर्मेशन ना देने के बावजूद सब लोगों ने ये मान लिया था कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि इस बात का पायल पे क्या असर हुआ होगा, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यू नो, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में पहला कदम रखने वाली थी कि उसे ये खबर मिली, और इस खबर ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। She was completely shattered. She didn't know where to go and what to do. अब जिसके लिए पायल को ब्याह कर लाए थे वही नहीं रहा, तो इस बेचारी की जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? अगर वो जिंदा होता तो अब तक वापस आ गया होता। उसे अपने घर ले जाओ और फिर से ब्याह कर दो इसका। बच्ची जैसी है मेरी, अभी उम्र ही क्या है इसकी जो ये सारे दुख देखे। मैंने भी अपना पति खोया है, दुख समझ सकती हूं मैं इसका। बच्ची जैसी है मेरी, बस खुश रहे। देख पायल बेटी,
कुछ उसका पता नहीं चल रहा। पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे जिएगी? पायल की माँ, जीजी कह रही थी किसका ब्याह करवा देते, ये कोई उम्र है इस तरह से गुमसुम रहने की? 2 साल इंतजार कर लिया विक्रांत का और उसकी कोई खबर नहीं आई। अब तो उसके घर वाले भी मान चुके हैं कि वो जिंदा नहीं है। पर क्या करें, कानूनी तौर पर 7 साल का इंतजार तो करना ही पड़े है। अभी अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है, सोचो 5 या 10 साल के बाद कोई रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जीजी ने कोई लड़का देखा? कल आ रहा है इसे देखने, बात कर। पायल बेटा, ये अमित है। अमित बेटा, ये पायल। वो क्या है ना, पिछले बरस अमित की घराली डिलीवरी के समय चल बसी, तब से अकेला है बेचारा, पर अब ये ब्याह करना चाहता है। जी मैं पायल से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा। पायल अंदर ले जाओ, जाओ। पायल मैं जानता हूँ कि पिछले 2 साल तुम पे बहुत मुश्किल रहे हैं और इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या अपने घर वालों की? घर वालों के, मगर अगर उनको सही लगता है तो सही होगा। तुम्हें क्या लगता है पायल? मुझे अब और कुछ नहीं लगता। पायल अगर तुम्हें इस रिश्ते से कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज अभी कह। मेरी शादी हो चुकी है और ये जाने बावजूद अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल नहीं पायल, तुमने तुम्हारा पति खोया है और इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। और हाँ, अगर मैं तुमसे शादी करता हूं तो तुम पे कोई एहसान बहसान नहीं कर रहा हूं, सो प्लीज ऐसा कभी मत कहना। लेकिन अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो मैं अभी जाके तुम्हारे पापा से मना कर देता हूं अपनी तरफ से। और इस तरह पायल की दूसरी शादी कर दी गई। ये सब देख के ऐसा लग रहा था जैसे पायल की खुद की किस्मत पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसके परिवार वालों ने बस कठपुतली की तरह उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। वो अपने पति के जाने के, उसके खोने के गम से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उसे किसी और के घर भेज दिया किसी और की बीवी की हैसियत से। पायल, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो जब तक कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते तो तब तक मैं अलग सोऊंगा। तो पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश रखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ठीक है, मैं सामने उस सोफा पे सो जाता हूँ। ठीक है। तुम खुश क्यों नहीं दिखाई देती मुझे? कहीं ना कहीं एक उदासी सी दिखाई देती है तुम्हारे चेहरे पर। क्योंकि मैं भूल गई हूं अपनी मर्जी से जीना क्या होता है। आज तक मैंने सिर्फ वो ही किया जो मुझसे कहा गया था।
अपनी मन की कभी सुनी नहीं। सुनिए, आज रात मैं सोच रही थी आपकी फेवरेट सब्जी क्या है? गट्टे की सब्जी। अरे वाह, गट्टे की सब्जी। अच्छा पायल, आज तुम्हारा टेस्ट लेता है, ठीक है? अच्छा बताओ कि यस का ऑपोजिट क्या होता है? नो। राइट, सो आज से नो बोलने की आदत डाल दो। अगर कोई भी तुमसे कुछ कहे ना तो नो कह देना, और अगर मैं भी तुम्हारे पास आऊं तो नो कह देना, ठीक है? I'm sorry. अमित, आप चाहो तो यहीं सो सकते हो। अमित, जब मैं आपसे शादी करके आई थी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जो मैं कर रही थी सही है या गलत, पर आपके साथ कुछ दिन बिताने के बाद ऐसा लग रहा कि जो भी किया सही किया। अमित, आपने मुझे मेरी खोई हुई हंसी लौटाई है। पहले मैं सिर्फ सांसें ले रही थी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। विक्रांत, 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 मेरे बच्चे, तू जिंदा है विक्रांत, विक्रांत, तू जिंदा है। तेरे बिना तो हम जीते जी मर गए थे। भाई साहब, भाई साहब, हमारा विक्रांत जिंदा है। भाई साहब आइए। बेटा, ये तो बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? जिस स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, मैं वहीं था। बहुत ज्यादा चोट लगी थी मुझे और बहुत सारी गोलियां भी। वहां से तो किसी तरह मैं बचकर निकल गया, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बॉर्डर के उस पार पहुंच गया। वहां गांव वालों ने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और एक एनजीओ ने मेरा इलाज करवाया। पूरे 2 साल 7 महीने कोमा में था। अब मत रो मां, अब मैं वापस आ गया हूं ना, वो भी सही सलामत। हाँ, हे भगवान, भरोसा नहीं हो रहा तुझे देखकर बेटा। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि तू हमारे बीच में है बेटा, हमने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। बिल्कुल ठीक है आपका छोरा ताऊ जी, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये तो बताइए कि पायल कहाँ है? मैं अंदर देखता हूँ। हाँ विक्रांत, बेटा पायल अब यहाँ नहीं है, हमने उसे उसके मायके भेज दिया था।
तो कोई बात नहीं माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, चलिए उसे वापस लेकर आते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, पायल का दूसरा ब्याह हो चुका है। What? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, ये नहीं हो सकता। यही सच है। पायल मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरी। दूसरी शादी? विक्रांत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पायल? विक्रांत, आपको गए हो तो 2.5 साल हो गए। हमने बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की, बहुत फोन किए, बहुत पता लगाया, मगर आपका कोई पता नहीं चला। थे कहाँ? हमको लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। तो तुमने दूसरी शादी कर ली? तुम अब भी मेरी पत्नी हो, चलो मेरे साथ। विक्रांत, अब चीजें वैसे नहीं रही जैसे आप छोड़ के गए थे। मेरी शादी हो चुकी है। इस शादी के कोई मायने नहीं है। तुम किसी और की पत्नी तब होती अगर मैं मर गया होता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी जिंदा हूँ और इसलिए तुम अब भी मेरी पत्नी हो। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। चलो मेरे साथ। पायल पर सिर्फ उसका खुद का हक है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच का मामला है और मुझे मेरी पत्नी को अपने घर वापस ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। हटो। विक्रांत, पायल का हाथ छोड़ो। तुम इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। विक्रांत, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम याद रखना, मेरे जिंदा होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये कानूनन जुर्म है। मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रांत बेटा, अब भूल जाओ उसे। पूरे रीति रिवाज के साथ उसका दूसरा ब्याह हुआ है और वो किसी और की अमानत हो चुकी है। माँ बस बंद करो ये बातें। पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी शादी भी हुई थी। अगर वो हमारी शादी भुला सकती है तो उसे ये शादी भी भुलानी होगी। पायल पर हक है मेरा, मेरी पत्नी है वो और मैं ही उसका पति हूं। ऐसे कैसे कोई और उस पर अपना हक जता सकता है? ताऊ जी, कल मैं और आप पुलिस वालों को लेकर उनके घर जाएंगे और पायल को अपने साथ लेकर आएंगे यहां इस घर में। ठीक है, शांत हो जाओ। शांत, मैं कुछ करता हूं। देखिए भाई साहब, आपने जो कुछ भी किया गलत किया। विक्रांत वापस आ चुका है, इसलिए पायल बिटिया को हमें वापस सौंप दीजिए। बात खत्म। देखिए भाई साहब, जो भी हुआ है गलतफहमी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? और ये आप क्या कह रहे हैं कि पायल बिटिया को वापस कर दीजिए? अरे उसकी शादी हो चुकी है और यह सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, विक्रांत की माँ की भी रजामंदी थी। पर यह गलत है, कानूनी जुर्म है। विक्रांत के जिंदा होने के बावजूद भी पायल ने दूसरी शादी की है। देखिए भाई साहब, पहले ही पायल बहुत बड़े सदमे से गुजर चुकी है। अब बहुत महीनों के बाद मैंने उसकी चेहरे पर खुशी देखी है। आप उसकी खुशी मत छीनिए। सालों के बाद मुझे मैंने उसे हंसते हुए देखा है, उसकी खुशी मत छीनिए। आपकी बच्ची हमारी भी कुछ है, इसलिए प्यार से कह रहे हैं कि पायल बिटिया को हमें वापस सौंप दीजिए, वरना यह मामला कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन में तय होगा। देख पायल, तू विक्रांत के पास चली जा, वो ही तेरा पहला पति है, उसी के साथ तेरा ब्याह हुआ था। अगर तुझे पता होता कि विक्रांत जिंदा है तो तू उसका इंतजार ना करती। हाँ, और देख, अगर उसके होते हुए अगर तू अमित के साथ रहेगी तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। करने दो माँ, बहुत सुननी सबकी। अब मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा।
बाबली हो गई है, पागल हो गई है, क्या बोल रही है इसे भी नहीं पता। पहले पति के रहते हुए किसी दूसरे के साथ रहोगी बेटी तो लोग हंसेंगे। किसी और के साथ बाबा? अमित पति है मेरे, शादी हुई है मेरी उनके साथ, फेरे लिए मैंने, और अगर मुझे पता होता कि विक्रांत जिंदा है तो मैं जरूर उनका इंतजार करती। और आप सब ये मत भूलिए कि आप लोगों ने ही मुझे तैयार किया था दूसरी शादी के लिए। और अब जब मैं अमित को पूरी तरह से अपना पति मान चुकी हूँ, आप कह रहे कि मैं वापस विक्रांत के पास चली जाऊं? मैं हरगिज नहीं जाऊंगी माँ, अभी सिर्फ अमित और अमित ही मेरे पति हैं। तो ठीक, अगर तुम्हारी ये जिद है ना तो मेरी भी जिद सुनो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म। अगर ऐसे करने से मेरा और अमित का रिश्ता बच सकता है तो फिर यही सही है बाबा। देख पायल, विक्रांत के ताऊ जी आए थे, धमकी दे रहे थे कि पुलिस को लेके आएंगे तुझे लेके जाने के लिए, कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे थे वो। फिर मैं भी लड़ूंगी माँ। क्या बोल रही है, तुझे समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल जानती हूँ माँ, और ये भी जानती हूँ कि अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पायल पर प्रेशर डाला जा रहा था, उसके पेरेंट्स उसे अमित को छोड़ने के लिए कह रहे थे, वो भी तब जब पायल को अमित से प्यार हो चुका था और पायल ने ये रियलाइज कर लिया था कि अमित इज द वन जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। उसकी प्रॉब्लम्स तब बढ़ गई जब दूसरी तरफ विक्रांत ने कोर्ट केस फाइल किया। बट नो, पायल डिसाइडेड शी इज गोइंग टू फाइट, एंड शी डिड। उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं, शी फाइल्ड अ डिवोर्स। मामला कोर्ट तक गया। हाँ मिस्टर विक्रांत, आपको जो भी कहना है अब आप कह सकते हैं। जज साहब, मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद ही एक टेररिस्ट अटैक की वजह से मुझे ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट में मैं बुरी तरीके से घायल हो गया। करीब 2.5 साल तक कोमा में रहने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। ये सरासर गलत है जज साहब, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं कोर्ट से सही फैसले की अपील करता हूं। और मैं अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता हूं। मिसेस पायल, आपके पति सही कह रहे हैं, आपको कम से कम 7 साल तक इंतजार करना चाहिए था। अब आपको अपने पति के पास वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं। जज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं कि मुझे भी अपनी बात आपके सामने रखने का मौका दिया जाए। अगले महीने की 10 तारीख को हम पायल की अपील सुनेंगे, आज के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। अमित, पायल को भेज दे बेटा उसके पहले पति के पास। देखो ये कानूनन भी तो गलत ही है ना, ऐसी गलती मत कर बेटा। मुझे कभी नहीं लगा था ये शादी ऐसी मुसीबत बन जाएगी। तुम्हें पता है ना अमित, हमारी सारी बिरादरी वाले तुम्हारे और पायल के रिश्ते के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ, मैंने शादी बिरादरी वालों के लिए तो नहीं की थी, पायल मेरी पत्नी है और मैं उसका साथ हरगिज हरगिज नहीं छोड़ूंगा। क्या गलत किया उसने? हाँ, मैं और पायल साथ में और मैं इस लड़ाई में उसका साथ अंत तक दूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मेरी भी सुन लो। अब मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जब कोर्ट कचेरी के चक्कर खाकर एड़ियां घिस जाएगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। याद रखो अमित, इस लड़ाई में हम लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम बिल्कुल अकेले। नहीं बाबा, मैं अकेला नहीं। मैं पायल के साथ हूं और हमेशा रहूं। नाक कटा दी है तूने पूरे खानदान की। मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। विक्रांत, तुम्हारा पति है बेटा,
उसके पास वापस चली जा। मैं प्यार करती हूँ अमित से, विक्रांत के पास कैसे जा सकती हूँ? इतनी छोटी सी बात किसी को क्यों नहीं समझ आ रही? शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है? कल इसके पास चले जाओ फिर उसके पास। बेटी ये केस हार जाएगी तू। मैं अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ बाबा, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? अपने प्यार को पाने के लिए कोई भी लड़ाई गलत नहीं हो सकती। देखिए आप लोगों का जो ये केस है इनफैक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हो सकता है कि ये काफी लंबे वक्त तक चले, और मैं इस बात की भी गारंटी आप लोगों को नहीं दे सकता कि आप लोग इस केस में जीतेंगे ही। इन सारी बातों को जानने के बाद भी क्या आप फाइट करने के लिए रेडी हैं? जी वकील साहब। ठीक है, तो मिस पायल आपको जो भी कहना है आप अदालत से कह सकती। जज साहब, मैं जिस जिंदगी के मुकाम पे खड़ी हूं उसकी जिम्मेदार दूसरे लोग हैं। सारी उम्र मैंने वो ही किया जो मुझे कहा गया। विक्रांत से शादी में बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि उनका नजरिया और उनकी सोच मुझसे बहुत अलग है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे शादी की सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए। और जब मुझे पता चला कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी अमित से करवा दी। और फिर जब विक्रांत वापस आ गए मुझे कहा कि मैं वापस उनके पास चली जाऊं। मैं कोई कठपुतली तो नहीं हूं ना चत्सा, एक इंसान हूं, एक लड़की हूं, और ये लड़की अपना जीवन खुद जी रही है, हक है मेरा। मैंने फैसला कर लिया जज साहब, मैं अमित से प्यार करती हूँ और सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारना चाहती हूँ। मिस पायल, आपकी दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं। जज साहब, क्या आपका लॉ से धाराओं पे अपना फैसला सुना देगा? क्या एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का कोई हक नहीं, प्यार करने का कोई हक नहीं है? अमित ने मुझे सही मानों में प्यार करना सिखाया, और जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे किसी और की परमिशन की जरूरत है? जज साहब, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे तलाक चाहिए। पायल और विक्रांत का साथ में होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आगे वो जिंदगी में खुश रह सकेंगे, इसलिए अदालत किसी भी जल्दबाजी में अपना फैसला नहीं सुनाना चाहती, और ये अदालत विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है। इसलिए यह अदालत अगले महीने की 21 तारीख तक बर्खास्त की जाती है। सर फिरी ये आशिकी भी, आपको क्या लगता है वकील साहब क्या होगा? वही होगा जो साफ साफ दिख रहा है, आपकी जीत और उनकी हार। डोंट वरी, आप आइए मेरे साथ। पायल जी, हमारा केस काफी कमजोर हो गया है, हो सकता है कि इस केस को हम हार जाएं, लेकिन फिर भी अंत तक हमें लड़ना होगा। चाल कोई टोक दे इश्क की जुनून रुकी नहीं। पायल तुम्हें बहुत मुश्किल उठानी पड़ रही है, आई एम सो सॉरी। सोचा था तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें एक छोटा सा घर भी नसीब नहीं करवा पाया। जहां तुम हो वही मेरा घर है। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी #, ये है आशिकी। पायल और अमित अब तक ये केस लड़ रहे हैं। 3 साल हो गए लेकिन अभी तक पायल को डिवोर्स नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पायल को पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे डिवोर्स भी मिलेगा और अमित के साथ उसकी एक नई जिंदगी भी शुरू होगी, अ न्यू बिगिनिंग।
वेल, फिलहाल के लिए वो दोनों नौकरी कर रहे ताकि वो अपने कोर्ट के एक्सपेंसेस और अपने लॉयर की फीस भर सके। अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए ये कीमत वैसे तो बहुत छोटी है ना, लेकिन उनकी जंग अब तक जारी है और इसी को तो कहते हैं सच्चे आशिकों का जज्बा, और इस जज्बे को ये है आशिकी का सलाम। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और कहानी लेकर, लेकिन तब तक हम मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी कहानी बिल्कुल पायल जैसी। हाय, मैं प्रियंका हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी से फिक्स कर दी थी। नेवी में था, एंगेजमेंट के तुरंत बाद ही हैड टू लीव फॉर एन ऑपरेशन। काफ़ी वक्त बीत गया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया उससे। वी ऑल वर क्वाइट टेंस। हेडक्वार्टर्स से पता चला कि उनका मिसिंग था, एक साल बीत चुका था। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी। देन आई गॉट मैरिड टू राजीव। आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद हिम। 5 महीने के बाद वापस आया। ही वॉज शॉक टू सी मी दैट आई मैरिड टू समवन एल्स। पर मैंने उनसे बात की, ही अंडरस्टूड माई सिचुएशन एंड नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स।